हेलो एवरीबडी, माय नेम, मेरा नाम हुमन साहू है और आज स्मार्ट ओल्यू मेरे को आज 4 साल हो गया। 4 साल से स्मार्ट ओल्यू आज कर रहा हूँ। आज आप लोग को पता होगा स्मार्ट ओल्यू जो आज से एक हमारे समाज में एक बहुत ही एक अच्छा एक शिक्षा एक अच्छी सी स्वास्थ्य एक लोगों को एटीट्यूड डेवलपमेंट और साथ साथ लास्ट होता है एक पैसा, लोगों को एक अच्छा समाज सेवा को लेकर काम कर रहा है आज स्मार्ट ओल्यू। तो मैं स्मार्ट ओल्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि आज मैं इस इंडस्ट्री में जब आया था तो मैं पहले कैसा था। एक पढ़ाई लिखाई की बात करो तो हर आदमी का सपना रहता है मैं पढ़ाई लिखाई का एक ज़बरदस्त करियर बनाना है कहकर। मेरा भी ड्रीम था, मैं भी कॉलेज किया, कॉलेज यही सोच के किया कि कॉलेज वॉलेज करेंगे आराम से नौकरी वोकरी मिल जाएगा कहकर। बट कॉलेज करने के बाद समझ में आए कि आज भगवान मिल जाएगा बट नौकरी नहीं मिलेगा, और वो भी मिला तो एक ऐसा जिंदगी 4000 का नौकरी। जिंदगी में बड़े बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते थे, लाइफ में कोई भी ड्रीम नहीं था, कोई भी एम नहीं था लाइफ में, टोटल तरीके से एक जिंदगी टोटल टूट गया था। एक उम्मीद का किरण आया जस्ट अब द स्पार्ट ओल्यू। मेरे फ्रेंड के माध्यम से प्रोजेक्ट मेरे को मिला, मेरे दोस्त ने बोला एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा काउंसिलिंग के लिए। तो मैं प्रोजेक्ट देखने के लिए जब आया था तो मैं देखा इस प्रोजेक्ट में इन लड़के लोगों को देखा, जो ज़बरदस्त पर्सनालिटी को देखा, पहनने का सोचने का एटीट्यूड, मैं इतना दिन तक कॉलेज किया देखने को नहीं मिला। बट इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद देखा तो लड़के लोग का, जब मैं पहली बार फर्स्ट बार जब देखा तो लोगों का बोलने का बात करने का तरीका जब देखा तो मेरे को भी इच्छा हुआ कि मैं भी कुछ करूं आगे बढ़ूं। बट ऐसा ड्रीम नहीं था, मेरे घर में भी आके समझाए प्रोजेक्ट को, देखा समझा बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त लगा। अब देखने के बाद क्या होता, फिर भी प्रोजेक्ट देखने के बाद मैं थोड़ा सा निगेटिव था। निगेटिव कैसा था, क्योंकि हम दो क्लास ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो इंसान का दिमाग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। देखना आम आदमी का दांत रहता है 32 और जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना उसका दिमाग हो जाता है 36। मैं ये सब चीज़ को बिलीव नहीं करता था, फालतू बेकार समझता था। बड़े प्रोजेक्ट में मेरे घर में आके पूरा बताया कि कैसे कर सकते, कैसे आगे बढ़ सकते। सर लोग बोले कॉर्पोरेट तुम 3 से 4 साल दो प्रोजेक्ट में, तुम्हारा करियर अच्छा बदल सकता। अरे प्रोजेक्ट में मैं आने का मकसद एक ही चीज़ था, ये प्रोजेक्ट में देखा एक छत की नीचे 4 चीज़ लेके काम कर, लोगों को शिक्षा दे रहा है, लोगों को स्वास्थ्य दे रहा है, लोगों को एक अच्छा एटीट्यूड डेवलपमेंट दे रहा। चौथा चीज देखा पैसा। मेरे सर ने क्वेश्चन किया कि एक छत के नीचे एक ऐसा प्रोजेक्ट भेजा जो एक छत के नीचे चारों चीज़ काम करता हो, तो मैं मेरे पास जवाब नहीं था मैं क्या जवाब दूँ। बट मैं देखा आज सर ने एक ही बोला, शिक्षा लेने तो आदमी को कॉलेज जाना पड़ता है, अच्छी हेल्थ चाहिए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आदमी को एटीट्यूड डेवलपमेंट चाहिए इसका अलग से क्लास करना पड़ता है, अगर लोगों को पैसा कमाना तो जॉब करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। बड़े प्रोजेक्ट में देखा एक चारों का चारों चीज़ एक छत के नीचे, वही सोच को लेकर प्रोजेक्ट में एक ज्वाइन करने के बारे में सोचा। पापा को भी बताया, पापा ने बोला कौन से चक्कर पे जा रहा है, कहां पर जा रहा है, सब फालतू बेकार है। पापा भी बोलो उसको बिलीव नहीं था, प्रोजेक्ट मैं देखा था, आँख पिक्चर ये देखा था, पापा भी नहीं देखे थे। तो पापा भी जी को समझाया तो पापा बोलता है कि देख लो तुमको इच्छा है, तो मैंने खुद के डिसीजन लेके एक प्रोजेक्ट में एडमिशन लिया। पापा कुछ हेल्प किए, पैसा का प्रॉब्लम हुई इस जगह पे आने के लिए, कहानी घर घर की, हर घर के प्रॉब्लम, फिर भी क्योंकि एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करना, पापा एक साधारण से छोटे से किसान हैं, लाइफ में बड़े बड़े तो उनका भी तो लाइफ नहीं चीज था जिंदगी, हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा बोला ठीक है एडमिशन ले लें, बट अभी मैं 3 महीने बाद फसल कटेगा पैसा आएगा तो एडमिशन ले लेंगे। पर सर लोग समझाए ये डिसीजन का फायदा है, जितना जल्दी कैसे भी मैं ब्याज में उठा के प्रोजेक्ट में एडमिशन लिया। और आज इस प्रोजेक्ट में आज हुआ क्या, सबसे फर्स्ट आज ये बंदे को देख रहे हो, एक गांव का बंदा जिसको बोले हम लोग बोलते देहाती छाप, जिंदगी नहीं था पर्सनालिटी, कैसे पहनना, कैसे सपना, कैसे लाइफ में इंजॉयमेंट करना, कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था। बड़े प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं ट्रेनिंग में आया, बोलने का, बात करने का डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी चीज़ एक इंसान बनाया, एक जानवर था इंसान, एक इंसान बनाया मुझे। आज हजारों के सामने आज खड़ा कर दो बोलूँगा जिंदगी सबसे बड़ी चीज़ इस प्रोजेक्ट में, और अच्छे से काम करते गया। आज मेरे पिताजी की बात करो, एक नॉर्मल से किसान है और पिताजी आज 45 साल की उम्र है, पिताजी का आज बाल पक गया, आज तक पिताजी नया गाड़ी लिया, वो भी लिया तो भी सेकंड हैंड गाड़ी, वो भी डुगडुगी गाड़ी, एक सर पावर होता है। और पिताजी हमको ये नहीं बोल पाए कि बेटा तू उस गाड़ी पे जा, और एक ही चीज़ बोलता था जा इसको कॉलेज लेके चले जाओ। पिताजी को शर्म के मारे भी एक चीज़ बोलते थे, पिताजी हम बस से चले जाएंगे बट आपके डुगडुगी से नहीं जाएंगे। बट आज प्रोजेक्ट में अच्छे से मेहनत किया और काम किया, और यही लड़का जिंदगी में कभी सोचा नहीं था आज ही से काम करके इस प्रोजेक्ट माध्यम से पहले अपने लिए डिस्कवर का गाड़ी अचीवमेंट किया। सर लोग बोले शिक्षा विभाग को लेके काम करो, लैपटॉप की जरूरत, कभी जिंदगी में सपना नहीं देखे थे, इंजीनियरिंग करेंगे तब लैपटॉप के बारे में सपना था, इसी प्रोजेक्ट माध्यम से काम करके 30,000 का आज लैपटॉप लिया। कभी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं घूमे थे, एक कुएं की मेढक की तरह था, गांव पे रहना, गांव पे खाना, गांव पे पीना, गांव पे मर जाना, राम नाम सत्य जय, डोंगरगढ़, दुर्ग, भिलाई, भोरमदेव, रायपुर, मेरा जिंदगी है था रायपुर, स्वर्ग बोलो या नरक बोलो यही जिंदगी था रायपुर। बड़ा जिसी प्रोजेक्ट माध्यम से आज यहीं से दो दो बार गोवा से घूम के आए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाना, मतलब आज 4 साल में 10 बार नेशनल ट्रिप,
और आज यही लड़का जिंदगी में कभी ख्वाब नहीं सोचा था, यही लड़का भी जा रहे विदेश, सात समुंदर पार विदेश, जिंदगी में कभी सपना नहीं सोचे थे विदेश, पासपोर्ट क्या होता, पासबुक का नाम सुने थे, पासपोर्ट क्या होता लाइफ में नहीं सोचा था। खानदान का पहला एक लड़का लड़का है जो यहाँ से आज एक यंग एज में आज विदेश से भी घूमने का, एक मलेशिया जैसा ट्रिप मिला, मलेशिया भी घूमने का अपॉर्चुनिटी मिला, आज ही सिस्टम के माध्यम से, एरोप्लेन क्या होता नहीं जानते थे, आज ही सिस्टम के माध्यम से फ्लाइट से भी चढ़े, एक यंग एज में ये सब चीज़ मिला। मतलब बोलने का एक ही तात्पर्य है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त चीज़। आप भी जो भी इस वीडियो को देखे एक ही चीज़ सोचिए, जब एक मिडिल फैमिली का बंदा जो लाइफ में कभी जो सोचा नहीं था वो यहाँ से जब सक्सेस कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते। मेन होता है बिलीव, और यही सिस्टम के माध्यम से आज इनकम की बात किया जाए। पहले एक समय था 4000 कमाने के लिए दूसरे के यहाँ मैं जॉब करता था, आज यही प्रोजेक्ट माध्यम से और जो बंदा लाइफ में जो इनकम के बारे में सोचता है आज यहीं से एक ज़बरदस्त इनकम कर पा रहा है। और आज यही प्रोजेक्ट माध्यम से एक लड़के लोगों का ड्रीम रहता है, सपना रहता है, क्या पता है आदमी आगे चल के रहता है कि मैं एक शादी करूँगा, राइट। हर आदमी शादी करता है, बारात जाता है, कार से ही जाता है, पहले दिन जाएगा कार से, बीवी भी देखते उसको बोलता है कि कौन सा कार सा है, लाता भी है उसको कार से, दूसरा दिन किस में आ जाता है साइकिल, वो भी दहेज का दिया हुआ। आज ही प्रोजेक्ट माध्यम से यही मन सौ कभी जिंदगी में सोचा था, आज ही प्रोजेक्ट माध्यम देख सकते हैं 4.5 लाख रुपये का कार लिया, जिंदगी सबसे कभी सपना में नहीं सोचा था, लाइफ में नहीं सोचा था। ये प्रोजेक्ट एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया, इस सिस्टम से आज फॉर्मूला लिया। आज हम जैसे यंग बंदा 23 साल 24 साल ग्रेजुएशन करने के बाद 5000 नौकरी के लिए लाइन पे लगता है, आज यही प्रोजेक्ट माध्यम से सिर्फ 10000 से कार का पेट्रोल खर्चा टू द प्लेटफॉर्म। ये सिस्टम बहुत अच्छा चीज़, एक ही चीज़ देखिए, जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते, सिस्टम बहुत अच्छा चीज़ है, आप भी अपना लाइफ को बना सकते हैं, आप भी अपना ज़िंदगी को बना लेंगे। एक ही चीज़ सोचिए, ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बनाइए कि यस मुझे कुछ करना है, यस मुझे कुछ करना है। अगर जिस दिन आप सोच लिए मुझे कुछ करना है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको कुछ करने से। और आज देख सकते हैं कि यंग एज में किया, आइए मैं थोड़ा सा नज़ारा ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आज एक यंग एज में आज फोर व्हीलर दिया, ज़िंदगी में कभी ड्रीम नहीं बनाया था, कभी सपना नहीं बनाया था। आप देख सकते हैं एक यंग एज में लुफ्त उठाना एक फोर व्हीलर का कितना मज़ा है, आप देख सकते हैं कितना इंजॉयमेंट एक लाइफ का, एक हम लोग इंजॉयमेंट कर पा रहे हैं, कितना बेस्ट करियर बन पा रहे हैं। तो स्मार्ट वाली एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा राइट चॉइस के साथ, किसी को मत देखिए। ये प्रोजेक्ट को 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं इस प्रोजेक्ट को 3 साल ग्रेजुएशन की क्या गाड़ी बाड़ी देश विदेश एवरीथिंग आज हो रहा है, आज बहुत कुछ करना है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो एक सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आपको भी पिक्चर दिखाना है। बेस्ट करियर, बेस्ट लाइफ, इससे बेटर कोई नहीं, क्योंकि आज बेरोजगार से बढ़ इतना बेरोजगार हो रहा, उनसे तो 10 गुना अच्छा ही सिस्टम आज यहाँ से अपना लाइफ को बना सकता हूँ। थैंक यू, वेलकम।